सो गाइस ये होने वाला है हमारा M9 रॉयल पास का, देख सकते हो आउटफिट जो कि काफ़ी खतरनाक है मिथिक वाला, तो भाई मुझे तो काफ़ी पसंद आया। सो हेलो केबी फैमिली, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मेरा नाम है कशिश एंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं यहाँ पर से जो M9 की सारी लीक्स दिखाने वाला हूँ, जो कि पूरा रॉयल पास हमारा लीक होकर आ चुका है। तो यहाँ पर ये इस वीडियो को क्रेडिट जाता है हमारे प्रियंक भाई को, तो उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना। एंड गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एंड अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से अभी के अभी यार एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो गाइस चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए एंड देखते हैं कि क्या क्या हमारे रॉयल पास के अंदर आने वाला है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा M9 रॉयल पास आ चुका है, एंड इसका यहाँ पर से कुछ इस टाइप का यहाँ पर कॉस्मिक क्लैश करके लोगो होने वाला है। एंड गाइस कुछ इस टाइप का देख सकते हो आप यहाँ पर से जो रॉयल पास का थीम है जो कि काफ़ी खतरनाक होने वाला है। एंड गाइस देख सकते हो फर्स्ट RP पे हमको यहाँ पर फ्री के अंदर सप्लाई क्रेट का कूपन मिल रहा है, एंड उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पर से एक देख सकते हो RP1 पे काफ़ी खतरनाक से ड्रेस मिल रहा है, एंड PV वाइजन की स्किन मिल रही है जो कि काफ़ी खतरनाक है। सो गाइस लिटरली मुझे आउटफिट तो काफ़ी पसंद आया, यहाँ पर फर्स्ट RP पे फ्री में मिल रहा है, एकदम काफ़ी खतरनाक है। उसके बाद यहाँ पर से जो PV बाइजन की स्किन है जो कि वो भी काफ़ी खतरनाक आई, आप लोग देख सकते हो मुझे तो काफ़ी पसंद आई पर्सनली। एंड गाइस देख सकते हो यार यहाँ पर काफ़ी अच्छी लुक दिख रही है, यहाँ पर से बिल्कुल चमक रही है भाई गोल्ड कलर की, यार मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी। एंड उसके बाद अगर बात करते हैं सेकेंड RP पे, तो भाई यहाँ पर हमको मिलने वाली है कुछ यहाँ पर से सिंपल चीज़ें जो आप लोग देख सकते हो, एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा तो प्लीज़ सर उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी गाइज हम बात कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर से कुछ नेक्स्ट चीज़ों की, तो भाई इसके अंदर देख सकते हो 5 RP पे कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको ग्लासेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं, एंड हेड गियर वगैरह आप लोग देख सकते हो कवर वगैरह। एंड उसके बाद यहाँ पर 6 RP पे आपको कुछ AG करेंसी, एंड यहाँ पर से कुछ यहाँ पर से BP कॉइन्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी 7 पे आप लोग देख सकते हो सिल्वर फ्रेगमेंट एंड UC वगैरह है, 8 पे आपको क्लासिक स्क्रैप है, 9 पे आपको वाउचर है एंड बाइक्स वगैरह है जो हमारी पॉपुलैरिटी होती है, एंड 10 RP पे आपको देख सकते हो कुछ इस टाइप का एकदम हेलमेट देखने को मिलेगा, अटलांटिक टैक हेलमेट जो कि काफ़ी खतरनाक है। सो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर से हेलमेट। बाकी उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर M9 की, जो यहाँ पर 11 RP पे यहाँ पर सप्लाई स्क्रैप वगैरह है, 12 RP पे आपको AG करेंसी है, 13 पे आपको सिंपल यहाँ पर रॉयल एडवेंचर के कॉइन्स वगैरह। बाकी 15 RP पे देखो गाइस यहाँ पर से जो आर्चरी डांस है वो काफ़ी खतरनाक सा लग रहा है, देख सकते हो मैं आपको थोड़ा स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, एंड भाई लिटरली काफ़ी फनी सा लग रहा है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है एकदम। वो बोलते हैं ना आँख हमारे वो गाना है भाई, उस टाइप में लग रहा है ऐसे, मतलब यार मजाक कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा मजाक के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो यार हमारा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके नीचे जो यहाँ पर एक अवतार फ्रेम मिलने वाला है यहाँ पर RP का M9 का, एंड देख सकते हो यहाँ पर एक नीचे ग्रेनेड की स्किन है, अटलांटिक टैग ग्रेनेड जो कि काफ़ी खतरनाक है। बाकी उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से जो 16 RP भी आपको AG करेंसी एंड फिर से BP मिलने वाले हैं, 17 पे आपको सिल्वर फ्रैगमेंट एंड UC है, 18 पे आपको सिंपल चीज़ें देख सकते हो आप, 19 पे वाउचर वगैरह है, एंड उसके बाद 20 पे आपको एक यहाँ पर पैराशूट देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो आप अटलांटिक टैक पैराशूट। एंड उसके बाद यहाँ पर से नीचे आपको एक यहाँ पर से एक और मतलब कि देख सकते हो ऑर्नामेंट आपको देखने को मिल जाएगा, अटलांटिक टैक ऑर्नामेंट जो कि काफ़ी सही लग रहा है। बाकी 21 पे आपको BP कार्ड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर पैराशूट ट्रेल वगैरह देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर से आप 22 पे यहाँ पर देख सकते हो सिंपल नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर सिल्वर फ्रैगमेंट वगैरह बचा है हमारे पास, एंड उसके बाद देख सकते हो स्ट्रीट रेसर मास्क वगैरह है हमारे पास, UC वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। एंड 25 पे आपको फ्री वाले रॉयल पास के अंदर देख सकते हो कुछ इस टाइप का यहाँ पर एक आपको आउटफिट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी खतरनाक है। एंड उसके बाद यहाँ पर AG करेंसीज वगैरह है आप लोग देख सकते हो, UC वगैरह, एंड यहाँ पर से रोम कार्ड वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर 30 RP पर बात करें तो आपको 60 UC का वाउचर है, यहाँ पर से एक अटलांटिक टैक फिनिश का जो मतलब कि प्लेन का स्किन है जो कि काफ़ी खतरनाक है वो आपको देखने को मिल जाएगा, मुझे तो पर्सनली काफ़ी पसंद आई। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा ये प्लेन का स्किन, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट यहाँ पर से अपना देख सकते हो इमोट की तरफ, जो भाई वो कहीं इमोट है जो कि काफ़ी खतरनाक है। उसके बाद यहाँ पर से हम अगर आगे की बात करते हैं तो आगे भाई यहाँ पर आपको 31 RP पे यहाँ पर देख सकते हो RP कार्ड वगैरह देखने को मिल जाएंगे, एंड उसका सिल्वर फ्रैगमेंट वगैरह, AG करेंसीज वगैरह कुछ है, UC वगैरह, सिल्वर फ्रैगमेंट देख सकते हो आप लोग, एकदम पोज करके देख सकते हो अगर मैं ज़्यादा तेज़ दिखा रहा हूँ तो आपको। बाकी यहाँ पर 35 RP पे आपको यहाँ पर एक QBZ की स्किन देखने को मिल जाएगी जो कि हमारे फ्री RP के अंदर होने वाली है। एंड उसके बाद नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो एक मतलब कि रॉयल एडवेंचर की कॉइन्स वगैरह है नीचे, एंड ये RP में जो
2BZ की स्किन है। तो भाई यहाँ पर से हमें ये मिल चुकी है वैसे तो यहाँ पर, लेकिन ओजी में मिल रही है, ओ सॉरी ओजी में बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको यूसी में मिल रही है। तो यूसी के अंदर आपको भाई अगर लेनी है तो ले सकते हो, बाकी आपको फ्री में मिल जाएगी M9 के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते कार 98 की, तो भाई कार 98 की स्किन आप लोग देख सकते हो ब्राउनिश कलर की यहाँ पर कार 98 निकल के आ रही है, एंड जो कि काफ़ी सही लग रही है देखने में। बाकी मेरे पास तो बहुत सारी कार 98 की स्किन हो गई है यार, 6 to 7 कार 98 की स्किन हो गई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके पास कितनी कार 98 की स्किन है, एंड अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से यार क्या कर रहे हो, लाइक कर दीजिएगा, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस जरूर से जरूर कर लेना। बाकी हम बात करते हैं उसके बाद, यहाँ पर से कुछ देख सकते हो यहाँ पर से ग्रेफिटी वगैरह है, यहाँ पर आप लोग देखो भाई काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर सब्सक्राइब वगैरह है। आप 47 RP तक पहुँच चुके हैं, एंड 50 RP पे जाए जो कि आपका मोस्ट मतलब एकदम खतरनाक 50 RP वाला आउटफिट है। इसके अंदर आपको एक हेडगियर अलग से देखने को नहीं मिलेगा, इसी के अंदर देखने को मिलेगा, एंड भाई देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पर से आपको इमोट देखने को मिल जाएगा इसका यहाँ पर से 50 RP का, एंड जो आउटफिट आपको देखो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी खतरनाक सा, एंड भाई मतलब लिटरली जो इसके बाल है पीछे एक तरह से भाई ये जो काफ़ी खतरनाक से लग रहा है, मतलब यार कितना खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक्सूट टाइप का भाई। मुझे एक्सूट से मतलब एक्सूट से कंपेयर करेंगे तो भाई मुझे तो फ्री में मिल रहा है ना ये, तो भाई काफ़ी खतरनाक चीज़ लगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रॉयल पास है वो कैसा लगा, एंड गाइज आगे की तरफ आपको कुछ यहाँ पर से बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो गाइज यहाँ पर तक ही मेरा वॉइस ओवर था, आपको बस यही चीज़ें दिखाने थे, बाकी आगे आप लोग देख लोगे। मुझे पता है आपको यहाँ पर रॉयल एडवेंचर के बारे में देखने को मिलेगा आगे, एंड यहाँ पर से कुछ और चीज़ें मिलेंगी, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बाकी मेरा वॉइस ओवर यहीं तक था, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बाइक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Never get old, screw what we're told, we can't be controlled. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power, you're as long as you're dreaming.